काम का तो दीवाना था, हर वक्त अपने काम से बहुत मुखलिस था। काम में वो शख्स ऐसा जुट जाता था, मतलब उनके उनकी स्पीड के साथ कूप अप करना आसान काम नहीं था किसी का भी। वो ये समझे कि मीडिया इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सेटर की ऐसे से जाना जाता था। वो मेरे यहाँ पे रिजाइड करते हैं, आज भी एक साल गुजर गया। हर जगह वो नंबर वन रहा। बस इतना कहूँगा कि वो आया वो आया, छाया और गया। आलिम ऑनलाइन जो लोगों में बड़ा ही आवाम में मकबूल हुआ था, वो प्रोग्राम जो कि फर्स्ट रमज़ान आया था 2002 का, तो उसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब जो हैं उन्होंने उसका आगाज़ किया था। तो मैं वो पहला शख्स था उस टीम के अंदर जो कि सबसे यंगेस्ट था प्रोडक्शन की फील्ड में। और वहाँ वो पहला दिन था जब मेरी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से मुलाकात हुई। रमज़ान ट्रांसमिशन में एक एक आइडिया जो है ना, वो आमिर लियाकत हुसैन का खुद होता था। बच्चों की तलाश, घरों की तलाश, गुमशुदा बच्चों की, सब आमिर के अपने जहन के आइडिया। पूरी ट्रांसमिशन का नाम जो सोच रखता था वो। रमज़ान से एक महीने पहले अगर किसी वाहिद चीज़ की मुझे टेंशन होती थी कि अली इमाम इस चीज़ को बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, दैट वॉज द ऑडियो क्वालिटी। कि वो चूँकि वो आवाज़ का बंदा था, वो आवाज़ से और एक्सप्रेशन से सारे काम करते थे। अक्सर रोज़नामा परचम में जब मैं और वो साथ बैठा करते थे, ये उसकी टेबल थी, ये मेरी टेबल थी, तो मुझसे कहता था यार एक वक्त आएगा कामरान बाजार के पाकिस्तान इंडिया जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है ना, वहाँ मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। और अल्लाह ने वो वक्त दिखाया कि जब टीवी ऑन ईयर हुआ तो आलिम ऑनलाइन जब उसने शुरू किया है, तो फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा।